आज कुछ पुरानी किताबों में उन कमीनों की तस्वीर मिल गई और पल भर में वो सारी यादें ताजा हो गई। कॉलेज के वो दिन, वो भी क्या दिन थे। ना जाने हमें भी क्यों ऐसे ही कमीने पसंद आते थे जिन्हें देखकर घर वाले बोलते थे कि आइंदा अगर इसके साथ दिखाई दिया तो टांगे तोड़ देंगे। साला ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जब ये कमीने कोई खुराफत ना खड़ी करते। एक लड़की को देखते तो साले सबके सब इश्क में डूब जाते थे। हर एक को शिद्दत वाला प्यार जो होता था, और ऐसा शिद्दत वाला प्यार हर मोड़ पर होता था, क्योंकि मोड़ बदलते ही सालों का दिल किसी और की ये धड़कता था। इन हरामियों से मिलने से पहले सुना था कि ऊपर वाला ही जोड़िया बनाता है, पर मेरे ये कमीने दोस्त भी साला कुछ कम नहीं थे। साले जैसे ऊपर वाले के यहां पर इंटर्नशिप करते थे, क्योंकि नीचे ये खुद ही जोड़िया बनाते थे। कैंटीन की तो यादें ही निराली थी। ऑर्डर करने के टाइम पे तो साले सब अंबानी होते थे, और बिल भरने के टाइम पर कमीने सब मालिया बन जाते थे। एक दूसरे के नाम से तो हम कभी बुलाते ही नहीं थे, क्योंकि इनसे ज्यादा इनके बाप के नाम से प्यार जो करते थे। और मजाक मजाक में बोलते थे, नाम लेके बुलाए वो यारी कभी सच्ची नहीं होती, नाम लेके बुलाए वो यारी कभी सच्ची नहीं होती, और गाली देके बेइज्जती करके बुलाने वाले दोस्त की मोहब्बत कभी कच्ची नहीं होती। हम जैसे लास्ट बेंचर्स की तो बात ही निराली थी। हमारी तो जैसे हर रोज दिवाली थी। हम क्लास में कम और कॉरिडोर में ज्यादा थे, और क्लास में होते तो अजीबोगरीब आवाजें निकालते थे। अगर कोई लड़की पसंद आए और गलती से इन सालों को पता चल जाए तो ये कमीने उसके सामने जाके जोर जोर से हमारे नाम की माला जपते थे। दिल की बात लड़की तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप का काम यही तो करते थे। लेक्चर्स तो सिर्फ अटेंडेंस की डर से करते थे, और एक ने भी अटेंड किया तो साला पूरे ग्रुप की प्रॉक्सी लगा कर आते थे। अटेंडेंस हमारी कभी पूरी नहीं होती थी, और फाइन के चक्कर में हर सेमेस्टर एंड में पूरी सेविंग्स खत्म हो जाती थी। और लाइब्रेरी तो जैसे हमारे लिए मंदिर था, क्योंकि साल में एक आधी बार दर्शन जो होता था, वो भी जब कोई कमीना जबरदस्ती ले जाता था, क्योंकि लाइब्रेरी से ज्यादा कॉलेज के सामने अन्ना के टपरी पे मजा आता था, जहां टॉपर्स रैंक के लिए पढ़ते थे, वहां हमारे पासिंग्स के भी लफड़े थे। साला वो डिस्टिंक्शन पर रोते थे और हम 40 पर भी पार्टी करते थे। टीचर्स के साथ तो दुश्मनी अलग थी। जितने नाम उनके माँ बाप ने भी नहीं सोचे थे उतने तो हम एक दिन में रख देते थे। वो यादें भी निराली है। उस वक्त जिन लम्हों ने डराया था, आज उन्हीं को याद करके हंसी भी आती है। उस वक्त दोस्तों संग ट्रिप तो अचानक से बनती थी। 10-20 की सेविंग्स सबकी निकलती थी, 100 का पेट्रोल और 3 की सवारी थी। पर यारो, वही ट्रिप सबसे भारी थी। बर्थडे तो साला हर साल रुलाता था, जानवर जैसी मार पूरे दिन जो खिलाता था, कभी भी आते थे और 2 चिपका के जाते थे। साला बर्थडे के नाम पे कुछ बोल भी तो नहीं पाते थे। साला उसको पैसा नहीं था, पर दोस्तों की मौजूदगी ने कभी उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसी वक्त बीता और हम बड़े हो गए। सब लोग करियर की दौड़ में सीरियस हो गए, कुछ बिजनेस में जम गए, तो कुछ जॉब के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। और करियर की इस रेस में सब इतना खो गए कि इसके चलते एक दूसरे को ही भूल गए। नंबर्स तो सबके पास थे, पर साला वो कभी डायल ही नहीं हुए। कभी जिनसे बात किए बगैर एक दिन नहीं निकलता था। आज सालों बीत गए बिना बात किए, अब तो बस यादें बची है। बस दुआ करता हूं फिर आए वो शाम जहां ये कमीने मेरे साथ हो। ये दोस्ती और ये पल भुलाए नहीं भूलते हैं हम। जब भी याद करता हूं उन कमीनों को, मुस्कान होती है मेरे चेहरे पे, लेकिन आंखें होती है मेरी नम। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद जिन भी दोस्तों की याद आई हो सबके साथ शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका दोस्त द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।